आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है। इसके पहले मैंने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से है। ये जो स्कॉलरशिप है ये प्राइवेट है। इस स्कॉलरशिप का नाम है सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप, ठीक है। और इस स्कॉलरशिप में कुछ ओपन है, जैसे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप में आपका केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए ही मिलेगा, वेस्ट बंगाल में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ही मिलेगा, और उसका भी एक लिमिटेशन था। लेकिन इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ओपन है। इसमें आप क्लास 10 पास करने के बाद 11, 12, BA, BCom, BSc, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, कोई भी किसी भी क्षेत्र में, ITI किसी भी क्षेत्र में है, सारे क्षेत्र के लड़के हो, लड़की हो, आदिवासी हो, मतलब शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब है, हैंडीकैप है, तो किसी भी तरह के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है और ये इंडिया में आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं के भी हो। तो मैं विशेष करके वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल बोर्ड वालों के लिए सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप में क्या क्या आपके क्राइटेरिया हैं, किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या, और क्या इसके क्राइटेरिया हैं, कैसे आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, कहाँ आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल में आज अगर आप पहली बार हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरीके के इस रिलेटेड वीडियोस आपको आगे भी हमारे चैनल की तरफ से मिलते रहेंगे। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो इस पहले बताऊँ आप लोगों को, जो सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप, इसके 5 कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी A, B, C, D, E, ठीक है। तो प्रत्येक कैटेगरी में अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे मान लीजिए कैटेगरी ए में क्लास 11 और 12 के जो लड़के और लड़कियां हैं, मतलब जो क्लास 10 पास कर चुके हैं, ठीक है, या फिर 11 पास किए हुए 12 में हैं, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि जो लड़के हैं वो जो लास्ट एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आप 11 में हैं तो माध्यमिक में अगर आप 65% पाए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और लड़कियों के लिए है 60%, ठीक है, या 11 से 12 में जा रहे हैं तो वो भी इसी क्राइटेरिया में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि लड़कों के लिए 500 रुपये पर महीने ये स्कॉलरशिप मिलेगा हर महीने आपको, और लड़कियों को मिलेंगे 700 रुपये पर महीने, ठीक है। उसके बाद आइए कैटेगरी बी में, एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ लिखा है, मैं अभी आपको वेबसाइट बताऊँगा, आप उसमें जाइएगा तो आपको पूरा सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए, कि आपको समझ में ना आए इसलिए मैं समझाने के लिए थोड़ा सा लिख कर आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगा, मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। कैटेगरी बी में जो है गवर्नमेंट ITI, जो लोग ITI कर रहे हैं, ठीक है, तो दो तरह का होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ITI होता है, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, दूसरा होता है कि प्राइवेट होता है। तो जो लोग गवर्नमेंट ITI में है, अगर वो ITI में भर्ती हैं अभी, ठीक है, और शर्त ये है कि जैसे 11 में हैं आप, तो जो लास्ट एडमिशन वगैरह आप लिए हुए हैं उसका डॉक्यूमेंट आपको शो करना होगा। उसी तरह ITI अगर आप कर रहे हैं, तो ITI जो कर रहे हैं आप, कौन सा क्लास पास करके ITI कर रहे हैं, तो उस क्लास का लास्ट जो पास किए हुए हैं उसमें लड़कों के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए और लड़कियों के लिए 35% मार्क्स, ठीक है। और प्राइवेट जो ITI है, प्राइवेट में भी आपका सेम है, मतलब कि मार्क्स सेम की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ क्या है कि थोड़ा सा स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। गवर्नमेंट ITI जो करेंगे उनको 500 पर मंथ, और जो प्राइवेट ITI कर रहे हैं उनको 700 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद आइए आपका कैटेगरी सी में आपका क्या है, अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि क्लास 12 पास जो कर चुके हैं, जो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स कर रहे हैं, जैसे BA है, BSc है, BCom है, BF है, BCA है, BBA है, BBM है, बिजनेस ऑफ, ऐसे बहुत सारे कोर्स जो हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो लोग भर्ती हुए हैं वो लोग लास्ट जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें अगर लड़के हैं तो 65% मार्क्स चाहिए, और अगर लड़की है तो 55% मार्क्स चाहिए। लड़कों के लिए क्या है, 1100 रुपया पर मंथ, और लड़कियों के लिए आपका 1400 रुपया पर मंथ, बहुत बड़ा अमाउंट है ये पर मंथ, ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए है। उसके बाद आपका कैटेगरी सी में ही फिर और एक कैटेगरी आएगा आपका यहाँ पे, ये अंडर ग्रेजुएट हो गया, और इसके बाद हो जाएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब MA, जो BA पास किए हैं तो MA हुआ, जो BCom किए हुए हैं MCom में गए, का जो BSc किए हुए हैं, यहाँ BSc था वो MSc में गए, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है उसमें आपका
MBA है, ठीक है, उसमें आपका ये कैटेगरी रहेगा, कैटेगरी सी का जो दूसरा है, इसमें भी आपका क्या है कि बॉयज़ जो है 65% होने चाहिए ग्रेजुएशन में लास्ट एग्ज़ाम में, और लड़कियां जो है 55%, और अमाउंट जो है वो आपका सेम होगा, लड़कों के लिए 1100 और लड़कियों के लिए 1400 रुपया पर मंथ। अब आइए कैटेगरी डी में, कैटेगरी डी में आपका डिप्लोमा कोर्स आता है। डिप्लोमा में जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रहे हैं, या नर्सिंग हॉस्पिटल लेबोरेटरी का टेक्नीशियन होता है, इन सब का जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं, जो भी डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स में जो लोग भर्ती हुए हैं, चाहे वो 10 के बाद हों, चाहे वो 12 के बाद हों, या ग्रेजुएशन के बाद हों, कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो डिप्लोमा कोर्स वालों के लिए आपका है, लड़कों के लिए है 55%, लड़कों का 55% और लड़कियों का है 50% जो लास्ट एग्ज़ाम पास किए हुए उसका, ठीक है। तो इसमें क्या है, लड़कों को मिलेगा 1000 पर मंथ और लड़कियों को इसमें देता है 1200 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो ये कैटेगरी डी है। उसके बाद कैटेगरी ई में आइए। कैटेगरी ई में जैसे आप इंजीनियरिंग में है, डिग्री कोर्स में है, मेडिकल लाइन में है, MBBS कर रहे हैं, और भी एग्रीकल्चर वगैरह का है, तो जो डिग्री कोर्स है किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको वेस्ट बंगाल के किसी इंस्टीट्यूशन से करना है, कहीं से भी, मैंने पहले ही बताया था वीडियो के पहले कि ऑल इंडिया में कहीं से भी आप कीजिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से कीजिए, आपको इसमें भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, ठीक है, कैटेगरी ई में, मतलब इंजीनियरिंग है या मेडिकल लाइन है, ओके। तो ये 5 कैटेगरी हैं, इन 5 कैटेगरी में ये स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। लेकिन अब एक बात ये भी है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब जिनको साधारणतः हम लोग हैंडीकैप कहते हैं, विकलांग है, विकलांगों के लिए, लेकिन जितनी भी कैटेगरीज है यहाँ पर, उन लोगों के लिए कोई भी परसेंटेज की यहाँ ज़रूरत नहीं है, उन लोगों का केवल पास मार्क्स होने से ही होगा, ये भी याद रख लीजिए। केवल पास मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में हो, और अगले नेक्स्ट जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पिछला डॉक्यूमेंट देंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, वो सारा डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा, तो केवल पास मार्क्स आप लोगों का होने से ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपका स्कॉलरशिप है। तो ये आपका 5 कैटेगरी था मिलने का। अब प्रश्न ये उठेगा आपके मन में कि फिर ये कहाँ से हम लोगों को पता चले, कैसे हम लोग इसको करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ, इसी का, सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और भी कोई कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, तो उसमें आप जाकर सर्च कीजिए, आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। और इसका मतलब लास्ट डेट कुछ नहीं होता, ये चलता रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई लास्ट डेट है कि हाँ 2 महीने के अंदर फिलअप करना है, वो करना है। और दूसरी बात है कि ये ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। वेबसाइट में जाकर इसका जो फॉर्म है आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप करके स्पीड पोस्ट से जो एड्रेस दिया रहेगा वेबसाइट में, उस वेबसाइट पर आपको भेजना है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है, जैसे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप का एक गारंटी बनता है कि सरकार की तरफ से है तो कोई वंचित नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगा कि सभी को जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उनको मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस जो बताता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस स्कॉलरशिप से उनको पैसा मिल रहा है, पर मंथ आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको फिलअप करके भरिए, मैं वेबसाइट का एड्रेस दे दे रहा हूँ, और एक टेलीफोन नंबर भी है, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पर क्वायरी कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका, मैंने जो बोला वेबसाइट, तो वेबसाइट ये है, आप यहाँ पर वीडियो राइट डाउन कर लीजिएगा, https://www.sitaramjindalfoundation.org, ठीक है, ये आपका वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे, खोलेंगे इसको, तो आपको एक ऐसा पीले रंग का यहाँ पे एक बुक का पिक्चर रहेगा, ऐसे इस तरीके से बॉक्स में, यहाँ पे देखिएगा लिखा रहेगा डाउनलोड एप्लीकेशन एंड एनेक्सर्स, ठीक है। इसमें जब आप क्लिक कीजिएगा तो पूरा फॉर्म जो है आपके सामने आ जाएगा, फॉर्म को आप प्रिंट आउट कर लीजिए, प्रिंट आउट करके उसको आप फिलअप करके स्पीड पोस्ट में उसको भेज दीजिए, ठीक है। और इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप और भी बेहतर जान पाइएगा, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ का, ठीक है, इसका, इस नंबर पे, इस टेलीफोन नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, आपकी जितनी भी क्वायरीज हैं वो आपका आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि अभी स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप माध्यमिक और HS के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देती है, तो अगर आप फिलअप करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो भी आपको मिलेगा, वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, ये प्राइवेट है, ठीक है। और भी आगे स्कॉलरशिप है, मैं बताऊँगा आप लोगों को इसके, जैसे ये एक सीताराम जिंदाल है, इसके बाद टाटा
स्कॉलरशिप है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बताऊंगा। और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है, मैं वीडियो बनाते रहूंगा, तो आप वॉच करते रहिए। तो वो भी मिलेंगे, सब प्राइवेट है। और जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है, वो भी आप फिलअप कर सकते हैं दोनों, ठीक है। तो ये टेलीफोन नंबर है, इस पर आप टेलीफोन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसका कोई लास्ट डेट नहीं है, ये अभी चल रहा है, चलता रहेगा। और एक चीज़ ये है कि जो फिलअप करेंगे फॉर्म को, उनका जो फैमिली का इनकम है, वो फैमिली इनकम जो है वो साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब फैमिली इनकम प्रूफ जब आप देंगे तो देखिएगा कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या क्या क्राइटेरिया कैटेगरी है, क्या क्या फॉर्म में रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो ये कंप्लीट हुआ सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप। इसके बाद मैं फिर एक स्कॉलरशिप के बारे में नेक्स्ट डे वीडियो बनाऊंगा, आप वॉच करते रहिए। और क्लास 10 के जो बोर्ड में है, इस बार माध्यमिक दे रहे हैं, उन लोगों के लिए हिस्ट्री का वीडियो मेरे चैनल की तरफ से अपलोड हो रहा है। चैप्टर 2 का हम लोग पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो है कि राजा राम मोहन राय के ऊपर एक टॉपिक बचा हुआ, उसको बताना है। तो जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार बोर्ड देने जा रहे हैं, तो वो लोग वेट कीजिए, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। पूरा चैप्टर 2 ही खत्म हो जाएगा इस मंथ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आए, और पसंद ही नहीं कहूँगा, अगर आपको ये आपको क्या ये सभी को फ़ायदा पहुँचाएगा, तो आप सीधा सीधा इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए अपने क्लास के ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ये जो मतलब कि हेल्प मिल रहा है, ये हेल्प सभी को मिले, ठीक है। तो कुछ नहीं भी हो, जिनके पास बहुत पैसा है, हालांकि जिनके पास बहुत पैसा 2.5 लाख से इनकम ज़्यादा है तो उनको तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी एक पॉकेट मनी जो भी आप समझ लीजिए, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 700 ये जो मंथली है ये आएगा आपका सालों साल, तो बहुत कुछ कर पाइएगा, एंजॉय कर पाइएगा, ठीक है। तो इस मौके को मत छोड़िए, शेयर भी कीजिए, और किसी दोस्त को शेयर कीजिएगा तो कह दीजिए कि मुझे भी पर मंथ कुछ कमीशन दे देना, मैंने आपको ये जानकारी दी है, ठीक है। तो खैर, ये मैंने मजाक किया, तो उम्मीद करूँगा वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और वेट करते रहिए नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में।